वैक्सीनेशन को लेकर के बयानबाजी का दौर जारी है। पूरे देश में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के नेता ने तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को बिना फिक्र किए वैक्सीन ले लेना चाहिए, इससे उनकी यौन क्षमता जो है वो कम नहीं होगी बल्कि इससे बढ़ ही जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राम सागर सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं? आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए। टीका लगाने से यौन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देश ही नहीं विदेशों के भी करोड़ों अरबों लोग टीका लगाकर अपनी यौन क्षमता को बरकरार रखे हैं। आप बेखौफ खुद टीका लगाएं, अपने परिवार को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें और अपने समर्थकों को भी टीका लगाने का आह्वान करें और टीका लगवाएं, क्योंकि टीका लगाने से ही कोरोना के तीसरी लहर को रोका जा सकता है और बिहार ही नहीं भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाया जा सकता है। आप अपने समर्थकों को टीका लगाने का आह्वान करें, स्वयं लगाकर अपने उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालें, मीडिया में डालें। तो सुना आपने, जो बीजेपी के नेता है राम सागर सिंह, उन्होंने विवादित बयान देते हुए नेता प्रतिपक्ष को कहा है कि वैक्सीन ले लेने के लिए। इस पर राजद के नेता भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जिस तरह से अनर्गल बयान दे रहे हैं ये नापुंसकों की फौज है भाजपा, उनको जो है उनके पार्टी में यौन शोषण के कितने आरोपी है। कुलदीप सेंगर इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोनों नेताओं में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो RJD नेता क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुने। बीजेपी नेता ने वैक्सीनेशन को लेकर के विवादित बयान दिया है, कहा है कि तेजस्वी यादव वैक्सीन लगवा ले, इससे यौन क्षमता घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती। ये सब के एक्सपर्ट तो बीजेपी में ज़्यादा हैं। कई नेता यौन शोषण के मामले में पकड़े गए थे। बीजेपी में तो अपने ही जो है, जो वैक्सीनेशन का सवाल हो, बिहार की जनता को वैक्सीनेट तो कर नहीं पा रही है, तो महामारी में वैक्सीन पर इस तरह का घटिया विचार ये बीजेपी ही कर सकता है। यही चाल चरित्र चेहरा है भाजपा का, ये इसी चक्कर में रहते हैं। तेजस्वी यादव जी के गाली देने के चक्कर में कंपटीशन है वहाँ टॉप से लेकर के नीचे तक, तो कोई खबर बननी चाहिए। इस तरह के बयान नहीं देंगे तो कोई नोटिस नहीं लेगा। ये बीजेपी का घटिया सोच और किस तरह से कोरोना के संक्रमण से लोगों के घरों में मातम पसरे हैं, जिस तरह से लोगों के घरों की लोगों की जानें चली गई कोरोना में, और ये लोग किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं कि कभी उस पर बात नहीं किया। ये राजनीति के कोरोना हैं और इनका वैक्सीन तेजस्वी यादव के पास है, इसलिए ये जो वैक्सीन पड़ा है इसलिए ये अभी तिलमिला रहे हैं। नपुंसकों की फौज क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव। तो सुना आपने दोनों नेताओं की बात, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया था कोरोना के टीका को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र जो है 31 साल है और ये जो डोज है ये अभी चालू हुआ है, जब 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वह वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वो भी कोरोना का टीका ले लेंगे। तो देखना होगा कि तेजस्वी यादव कब कोरोना का टीका लेते हैं, क्योंकि बीजेपी और RJD में अब बयानबाजी हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।